यहाँ पे आए जाने से समापन करेंगे। सीधा सुरेश बंसल जी से अपील करूंगा कि वो संबोधित करें। सुरेश बंसल जी ये व्यवस्था को बना लो, ये सब लोग ये फोटो खींच के जा रहे हैं, ये फोटो खींच के जा रहे हैं, सब व्यवस्था बनवाओ, ये सब धक्का दे रहे हैं, आपने मुझे 2012 में विधायक बनाया था, मैंने जया का विकास किया था, 70 करोड़ रुपए के काम मैंने सदन से कराए थे। और मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ कि इस नगर में, इस जिले में जो भी काम किए थे इससे पहले माननीय अखिलेश यादव जी ने किए थे, मैं बता भी सकता हूँ। ये भैया मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, क्या आप कभी अपने शांति बेटा, क्या आप अपने कभी सांसद से मिले हैं? क्या नहीं नहीं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप अपने इतना बड़ा दिन क्या हमेशा कोई भी व्यक्ति हो गई तो यहाँ से काम से बन सके, सभी भारतीय लोग आते रहेंगे। भाइयों मैं कहना चाहता हूँ, हाथ उठा के बताओ अपने सांसद हम विकास करेंगे, हम रहेंगे की सुरक्षा करेंगे, हम किसानों को काम करेंगे और नौजवानों को रोजगार दिलाएंगे। और भाइयों मैं आपसे अपील करता हूँ, एक बार मौका और दिन आपकी सेवा करूंगा। सुरेश बंसल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाइयों अब तो हम तीन दल एक साथ हैं, मेरी पार्टी सपा, बसपा, राष्ट्रीय लोकदल, तीनों मिलकर इनकी जमानत कराएंगे। भाइयों मैं आपको बताना चाहता हूँ, सब त्रस्त हैं, इन्होंने हमारा भाईचारा खत्म कर दिया, आज भाईचारा को बनाने के लिए इनको हटाना जरूरी है। और आप समझ लीजिए, जब गठबंधन में है तो उत्तर प्रदेश से सबकी गठबंधन जीतेगा, और ये मोदी साहब और जनरल साहब अब नहीं आएंगे। मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूँ, और भारी मत से स्थानीय व्यक्ति को समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल,
ईमानदारी से तीनों दल के लगाएंगे और तीनों दलों में काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस पार्टी को उनके घर वापसी देने काम करेंगे। इन सबके साथ आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय स्वराज, जय राष्ट्र लोकतंत्र और जय भीम। आप हमारे चैनल अम्बेडकर पीपुल्स वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए और पाइए हर वीडियो की नोटिफिकेशन।